स्टैचू स्टैचू मैं भी हो गई हूँ रेडी और मैंने क्या आउटफिट पहना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को हाँ हैप्पी बोल रही शबकदर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके अल्लाह पाक सारी दुआएं कबूल हुए। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये कोई मनाना नहीं चाहिए, इस मना वना नहीं रहे हैं हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक कि ये बटना है वो बटना, इस टाइप का नहीं है। बस एक थोड़ा सा ही होता है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं तो बस ऐसे ही बच्चे तैयार व्यार कर देते हैं, बच्चों को ऐसे ही खुशी हो जाती है, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं अपनी कज़ाए उम्री, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। देखो इबादत के दिन के लिए तो कोई दिन मुकर्रर ही नहीं है, आप जितना चाहें रोज़ ही हमें इबादत करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपनी इबादत करते ही रहें जारी। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस बार शबकदर मैं आप लोगों के साथ मना पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है व्लॉगिंग में जो शबकदर का मैं शूट करूँगी व्लॉग, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, घर का जो टूर है न्यू घर का मम्मी पापा का, वो आप अरूबा में जी सिस्टर हैं दिलरुबा व्लॉग पे, आप वहाँ देख सकते हैं। जब भी वो डालेंगी इंशाल्लाह देखेंगे, मैं घर का टूर नहीं दूंगी, घर का टूर अरूबा ही देंगी, लेकिन हम लोग बहुत इन्जॉय करें। इस बार हमारी शिफ्टर हमारे घर पर हुई है, हमें बहुत बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो बच्चों ने देखो कपड़े चेंज कर लिए, हाँ हयात और मूसा ने दोनों ने अपना कपड़े चेंज कर लिया। अच्छा मैं इनके ऐसे भी लेकर आई थी कि बच्चे पहन नहीं पाते उस तरीके के कपड़े, आपने देखे थे थोड़े से ना बच्चों को अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए हाँ अपना आउटफिट तो दिखा दूँ मैं आप लोगों को। मैं ये वाला आउटफिट इसके साथ ये वाला दुपट्टा जो कि बिल्कुल ही मैच है, एंड दीज आर माई बैंगल्स जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरी मम्मा लेकर आई है, मेरे लिए बहुत ही प्यार लग रहा है मुझे ये वाली, बहुत ही अच्छी चलेगा। इस पहनते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। रेडी आज है शबकदर और माशाल्लाह से दोनों ने कितने प्यारे प्यारे सूट पहने, और रातू का सूट देखो गाइस छोटा सा प्यारा सा शबकदर है। माशाल्लाह तो गाइस आप सबको शबकदर, अब बच्चे तो रेडी हो गए, अभी मैं हाँ रातू की प्यारी सी वो तो दिखाओ, ये बैंगल बैंगल, अरे वाह नाइस रातू नाइस, मूसा दिखाओ अपना, ये मूसा ने पहना, थोड़ा सा इसका छोटा रह गया लेकिन अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस गाइस। देखो ये कितनी बुरी है हमारी बहन, ये किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, जो आगे बढ़ा हुआ है उसे आगे बढ़ा हुआ गाइस, मैं जर देगा वो ले रही है व्लॉग में तो लेने नहीं दे रही, देखो इसकी हरकत अल्लाह तौबा, ये कह रही नहीं मैं लूंगी अपने व्लॉग में, बोले ये भी कोई चीज है देखो उन्होंने भेजा है, लोग कैसे जल रहे इंसान की तरक्की से दुनिया, बहुत ही मजे का बना है, बहुत टेस्टी है, दिखने में भी इतना प्यारा लग रहा है, हालांकि हम खा चुके तो ये थोड़ी सी डेकोरेशन इसकी तो है, लेकिन बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह से, आप लोग भी खा लो, खा लो गाइस खा लो, टेस्टी बना है, मैं आप लोगों को खा के दिखाता हूं। हम लोगों ने गाइस मतलब उन्होंने ये भेजा है, हम लोग उनके लिए शीर भेजे, हमने शीर बनाया, मतलब बनने वाली जब बन जाएगी तो फिर शीर दे जाएंगे, फिर उन्होंने भेजे नेबर है ना, अच्छा नेबर से मिल गया, अच्छा लगता है गाइस अच्छे नेबर्स होते हैं, देखते हैं खुशी बांटने से और ज्यादा हेल्दी है। मेरे कहने का मतलब तो खुशी बांटने से अच्छा होता है, खुशी बांटनी चाहिए, मैं बताऊं दुख बांटने से बेहतर है खुशी बांटना। देखो गाइस मैं आपको बताती हूँ, हमें ना खुशियों को ना ऐड करना चाहिए प्लस, और हमें दुख को सबट्रैक्ट घटाना चाहिए, हमें दोस्ती को मल्टीप्लाई करना चाहिए, पैसे डिवाइड करने चाहिए, पैसे रखती है अपने बताओ नहीं था, मैं तेरा विकार बना रही थी, भ्रम बैठा रही थी, भ्रम बना तुम टेंशन आपको भी, और क्या करोगे अब बताओ क्या करना है, हेलो मुझे नहीं पता क्या करना होता है, बताओगे जब तो पता चलेगा, आज रात तो जागना होता है, सिर्फ आज ही रात को जागना होता है,
मतलब क्या है? अच्छा ये लोग तो रात रोज जागे रहते, इनको क्या फर्क पड़ेगा? कितने बजे सोते हैं नॉर्मली? रोज चपराते हैं, रोज फजर में सोते हैं। बच्चे हो रहे थे बोर, तो मैं उनको ना ये डांसिंग म्यूजिकल चेयर वाला गेम खिलाया था, इसमें एक राउंड में हया जीत गई है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड मूसा के साथ। चलो हया आप भी रहो, भाई भी रहेंगे, ठीक है? खड़े हो। अरे उसे तो जीतने दो। बेबी शक डू डू डू, हाथ कोई नहीं लगाएगा वरना आउट। नहीं दोबारा से स्टार्ट। खड़े हो खड़े हो खड़े हो, आयात खड़े हो, स्टार्ट होगा गेम। बेबी शक डू 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 डू, पापा शक डू 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 डू, पापा शक। ग्रैंडपा शक डू 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 डू, आ तो आउट कर दूंगी अगर हाथ लगाया तो। हाथ हटाओ हाथ हटाओ, देखो आ तो चीटिंग कर रही है, हाथ रख के घूम रही है। ग्रैंडपा शक डू, देखो भाई ये जो है ना खेलने नहीं देती लड़की, जो है ना बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। नहीं तो गाइस हम फिर से ये गेम खेल ले स्टैचू वाला, जिसमें इसने चार्जर उठाया है और मैंने इसे स्टैचू पर रखा है। तो फ्रीज, ओ फ्रीज ही हो, सॉरी ओवर स्टैचू। ये बेचारा चार्ज नहीं लगा पा रहा। स्टैचू फ्रीज ओवर। स्टैचू ओवर ओवर स्टैचू। फिर नहीं लगी फोन में, अभी लगा बेचारा यहां से लेता हुआ आ रहा है। ओवर 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 स्टैचू। पापा वो स्टैचू है, स्टैचू से बता। ओवर 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 ओवर, चलो ये तो हो गया इसका, बढ़िया बहुत बढ़िया गेम। पापा स्टैचू मुझे मत करना, कोई वरना वीडियो चलती है। स्टैचू ओवर स्टैचू। हाँ तू गुलगुली कर, हाँ तू मूसा गुलगुली कर, गुलगुली कर, गुलगुली कर, गुलगुली कर, और कर और कर, पेट में भी कर, पेट में कर, पेट में कर कर गुलगुली कर। ओवर। बस भाई बस रहम, जाओ जाओ माफ करा, जाओ चाचू। ओवर ओवर। अरे बस चाचू इसका भी फोन ले लो अब। मुझे पैक की, मतलब मुझे वन की जरूरत है, इसे पैक कहते हैं, और इन्हें तीन की। देखिए गाइस देखते हैं कौन जीतता है। ये मैं जीती। नहीं 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 नहीं, पै 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 चाहिए मुझे, पै चाहिए। तो गाइस ये मैंने चला पे 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 पे, अरे क्या है पे 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 पे, देखते किसका पे आ गया। नहीं चलाती पे पे पे, गाइस काट के चक्कर। गाइस मैं जीत गई, मैं जीत गई, इसे कहते हैं येलो वाली थी, क्लोज विन, क्लोज विन, क्लोज विन, ये गाइस मैं जीत गई। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इसी बात पे जरा मेरा फोटो सूट हो जाए। ये आ चुके हैं लेट हो तुम। क्या है टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात छुट्टी का ही है तो टाइम पास कर रहे हैं, और अभी उसके बाद इंशाल्लाह इबादत स्टार्ट कर दी गई। रात के बज गए हैं 12 और अब हम करने वाले हैं अपनी इबादत। और इबादत दिखानी क्या, वो तो अल्लाह के नहीं होते, तो दिखाने का ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी शॉप की चीज़ नहीं, जो हम करते हैं ना इबादत वो करते हैं अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए करते हैं। तो गाइस क्या आपको लगता है खाली इबादत ही काफ़ी है हमारे लिए जन्नत में जाने के लिए या अल्लाह ताला को खुश करने के लिए?
देखो इबादत सिर्फ हमारे अपने लिए है, हमें सबसे पहले अपने ना अखलाक अच्छे रखने चाहिए। हम सामने वाले हमारे बारे में कुछ पीछे बुरा तो नहीं सोच रहा, कहीं हम उन्हें किसी का दिल तो नहीं दुखा रखा, तो इस चीज़ पे भी आप ज़रूर गौर फरमाया करें। इबादत करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखा करें कि हमारी तरफ से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, ये हमारी कहीं भी बात से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा। तो ऐसा भी इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। मेरी नज़र में खाली इबादत ही काफ़ी नहीं है, सजदा अल्लाह के लिए है, और उससे फ़ायदा हमें कि हम इसलिए नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक हमें जन्नत मिल जाए इस तरीके से। लेकिन हमको अपने दिल को साफ़ रखना है किसी से, मतलब एक होता है ना, मिल रहे हो तो दिल साफ़ करके मिलिए सबसे पहली बात, और दूसरी जिससे मिलो ना खुश मिजाज से मिलो, ये मत बात कहो कोई ऐसी बात जबान से ना बोलो कि किसी का दिल दुख जाए। कहते हैं ना हमारे सारे बॉडी पार्ट में से एक ऑर्गन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो है क्या, हमारी ज़बान। तो वो ये मीठी ज़बान रखोगे तो सब मीठा रहेगा, और किसी से यही ज़बान कड़वी रखोगे तो आपकी कितनी बुरा है। तो इतना इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम चलते हैं अपनी इबादत की तरफ, और आप लोग हमको भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप लोग भी नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को, हमारी फैमिली को, पूरी को अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में याद रखेगा। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।